हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ बैंगन का भरता रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे तो ये बनाना बहुत ही इजी है, लेकिन आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। देखते हैं कैसे बनाते हैं इस रेसिपी को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन लिया है, जिसको वॉश कर लिया है, एंड फॉर्क से इसमें दो तीन जगह ऐसे होल कर लेंगे। के बाद इसको भूनने के लिए रख देंगे। इसको आप चारों तरफ से घुमा घुमा कर भूनेंगे। गैस चलाकर एक तरफ से अगर आप इसको रख के छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए चारों तरफ से अच्छे से घुमा घुमा के भूनना है। इसको भूनने में 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। इस तरीके से भून लेंगे। ये ऑलमोस्ट भुन चुका है। बैगन भुन गया है, अभी इसको कोल्ड करके और इसको पील कर लेंगे और देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रोसेस। ये पील किया हुआ बैगन, ये अनियन है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये गार्लिक एंड ग्रेटेड जिंजर, टमेटोज हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, ये टर्मरिक पाउडर है, गरम मसाला, सॉल्ट और ये धनिया एंड सौंफ पाउडर, ये रेड चिल्ली पाउडर, ये हींग लिया है मैंने थोड़ा सा, मेथी दाना है एंड ये ग्रीन चिल्ली जिसको मैंने चॉप कर लिया है, एंड रेड होल चिल्ली। सबसे पहले कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला मैंने और यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो गया है प्रोसेस। सबसे पहले मैंने रेड चिली डाला है, उसके बाद में ग्रीन चिली, फिर जो ग्रेटेड जिंजर एंड गार्लिक रखा था वो डाल के भून लेंगे। इसके बाद में जो चॉप अनियन है उसको डाल दिया है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। और ये स्पाइसेस, टर्मरिक पाउडर डाल दिया मैंने, इसके बाद में रेड चिली पाउडर, ये कोरिएंडर पाउडर, ये गरम मसाला और इन सारे मसालों को अब अच्छे से भून लेंगे। हींग भी मैंने डाल दिया था उसी टाइम पे, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी अभी। और इसके बाद में ये चॉप्ड टमेटोज, इनको मैंने डाल दिया है और यहीं पे मैं सॉल्ट भी डाल दे रही हूँ, जिससे कि ये टमेटोज बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। बहुत जल्दी बन जाता है ये बैंगन का भरता। इसको टमेटोज को मसालों के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे पहले, फिर इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अच्छे से ये मिक्स हो गए मसालों के साथ में, अभी इसको कवर कर दे रही हूँ और 2-3 मिनट्स के बाद में अभी इसको चलाएंगे और जो भी टमेटोज हैं उनको मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश कर लेना है और जो भी मसाले हैं उनको अच्छे से भून लेना है। ये हो गया है बहुत ही अच्छे से। अभी इस पॉइंट पे जो भी बैगन रखे थे वो मैं डाल रही हूँ और इन बैगन को भी इन मसालों में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। टेन मिनट में आपका बैंगन का भरता बनके तैयार हो जाता है और इस तरीके से बनाएंगे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए, फिर आप बताइए आके मुझे कमेंट के थ्रू। इसको अच्छे से भूनेंगे
4 to 6 मिनट के लिए मसालों के साथ। कलर भी आप देख सकते हैं अच्छा आया है, इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। इसको अच्छे से भून लेंगे। बैंगन भूनने के बाद इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये बैंगन का भरता बनके तैयार है आपका, विद इन 10 मिनट में आप बना लेंगे। और यहाँ पे मैं ये चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल ली हूँ। एंड इसको चला देंगे। इस तरीके से मिक्स कर देंगे सारी। लीजिए आपका बैंगन का भरता बनके तैयार है। इसको आप चपाती या पराठा के साथ में इंजॉय कीजिए। आई होप बैंगन का भरता की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।